हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट टू। जी हाँ, पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। वो टॉपिक था फ्रेजल वर्ब्स पार्ट वन। फ्रेजल वर्ब्स वो टॉपिक है जिसके ऊपर एग्जाम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। पहले 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेजल वर्ब्स यानी दो ऐसे शब्द, एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन, जो आपस में मिलकर एक बिल्कुल ही नया मीनिंग देते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए सीधे शुरू करते हैं। आज का जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है काम डाउन। काम डाउन का अर्थ होता है शांत करना किसी को। काम डाउन, CALM, किसी को काम डाउन करना। आई काम हिम डाउन, यानी मैं उसे शांत करता हूं। नेक्स्ट है कैरी अवे। कैरी अवे हो जाना यानी टच हो जाना, मूव हो जाना, भावनाओं में, इमोशंस में बह जाना। उसकी स्पीच सुनकर मैं कैरी अवे हो गया था। I was carried away by her speech. तो कैरी का वैसे तो अर्थ होता है कोई चीज साथ में रखना, पर कैरी अवे हमने देखा एक बिल्कुल ही नया मीनिंग दे रहा है कि भावनाओं में बहना। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है कास्ट डाउन। किसी को कास्ट डाउन करना यानी उसको हतोत्साहित करना, उसको डिसअपॉइंट करना, उसको डीमोटिवेट करना या उसका डीमोटिवेट होना। जैसे उसके फेलियर ने उसे कास्ट डाउन कर दिया, यानी उसको बहुत ही निराश कर दिया, हतोत्साहित कर दिया। आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है चीयर अप। चीयर अप का अर्थ होता है किसी को खुश करना। आपको पता ही होगा चीयर, जैसे चीयर्स करना या क्रिकेट के अंदर चीयर गर्ल्स होती हैं। किसी को खुश करना, आई चीयर्ड हर अप, यानी मैंने उसको खुश किया था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट। कम मतलब वैसे आना होता है, पर कम के साथ जब अबाउट जुड़ता है तो इसका एक नया मीनिंग बनता है कुछ होना, कुछ घटित होना। हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे हुआ था। हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ। अगला फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस यानी संयोग से मिलना, बाई चांस मिलना, इत्तफाक से कुछ होना। इसके लिए कम अक्रॉस का यूज होता है। जैसे कि मैंने एक फनी एग्जाम्पल बनाया है, आई केम अक्रॉस आलिया भट्ट एट फड़ बाजार। एक मार्केट का नाम है फड़ बाजार बीकानेर के अंदर, और मैंने ऐसा कहा कि मुझे वो संयोग से वहां मिली थी, वो बाई चांस वहां मुझे मिल गई। आई केम अक्रॉस आलिया भट्ट एट फड़ बाजार। कम अक्रॉस यानी बाई चांस कुछ होना। आज का अगला फ्रेजल वर्ब है कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड यानी आगे आना, कोई भी काम करने के लिए आगे आना। ही केम फॉरवर्ड टू फाइट विद मी, वो मुझसे लड़ने के लिए आगे आया। नेक्स्ट है कम ऑफ। कम ऑफ का अर्थ होता है अलग होना। मेरी शर्ट से एक बटन अलग हो गया था, एक बटन टूट के गिर गया था। अ बटन केम ऑफ माई शर्ट। नेक्स्ट है कम आउट। कम आउट यानी भेद खुलना, कोई चीज का खुलासा होना। उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी, हर ट्रुथ केम आउट। नेक्स्ट है कट डाउन। कट डाउन का अर्थ होता है किसी चीज का कंजप्शन, किसी का उपभोग, उसकी खपत कम करना। उसने धूम्रपान करने की जो उसकी आदतें हैं उसको उसने कम किया है, अब वो कम सिगरेट पीने लगा है। ही कट डाउन हिज स्मोकिंग हैबिट्स। आपको पता ही होगा कि कट की तीनों फॉर्म्स कट होती हैं। ये पास्ट सिंपल का वाक्य मैंने बनाया है। ही कट डाउन हिज स्मोकिंग हैबिट्स, उसने अपने धूम्रपान की आदतों को कम किया था। नेक्स्ट है डू विदाउट या गो विदाउट। डू विदाउट या गो विदाउट का अर्थ होता है किसी के बिना काम ना चलना। जैसे मैंने कहा, हम लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते। वी कैनॉट डू विदाउट ऑक्सीजन, वी कैनॉट गो विदाउट ऑक्सीजन। अगला फ्रेजल वर्ब है ड्रैग ऑन। भाषण को लंबा खींचना, किसी बात को जबरदस्ती लंबा खींचना। नेता ने अपनी स्पीच को लंबा खींचा था, पॉलिटिशियन ड्रैग्ड ऑन हिज स्पीच। नेक्स्ट है ड्रॉ आउट।
ड्रॉ आउट का अर्थ होता है योजना बनाना. वी ड्रीव आउट अ न्यू मार्केटिंग स्कीम. हम लोगों ने एक नई मार्केटिंग स्कीम की योजना बनाई थी, उसका प्लान किया था. तो ड्रॉ की तीनों फॉर्म्स होती हैं, ड्रॉ, ड्रीव और ड्रॉन. तो ये एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस है कि हमने एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी. नेक्स्ट है ड्रॉप इन. ड्रॉप के साथ जब इन जुड़ता है तो इसका मीनिंग होता है कि बिना सूचना के कहीं पे जाना या आना. जैसे चिंकी ड्रॉप्ड इन, यानी कि वो कुछ समय के लिए अचानक आ गई मिलने के लिए. बोलो चिंकी ड्रॉप्ड इन. अगला है ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट का अर्थ होता है बीच में छोड़ना, कोई काम बीच में छोड़ देना. जैसे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़ देने को ड्रॉप आउट कहते हैं. आपने सुना ही होगा कि ये एक्स वाई जेड इंसान कॉलेज ड्रॉप आउट है, यानी इसने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी. जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ. आप कोशिश करें कि इस वीडियो को देखते देखते साथ में बोलें, क्योंकि आपके बार बार बोलने से आपको ये ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे और आपकी ज़ुबान पर आ जाएंगे. स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इट्सेल्फ, बोलने से बोलना आता है. आप इस ऑडियो लेक्चर को ऐसा सोचें कि टीचर आपके साथ ही बैठे हैं और आप उनके साथ में एक पॉजिटिव वे में इंटरेक्ट करते रहें, साथ साथ इन्हें बोलते रहें. अगला है फेड अवे. फेड हो जाने का मतलब आपको पता ही है, जैसे कोई कलर फेड हो जाता है. फेड अवे का अर्थ होता है गायब हो जाना. एक चीता जंगल के अंदर फेडेड अवे हो गया. चीता फेडेड अवे इन द जंगल. तो चीता और जंगल ये दोनों ही हिंदी शब्द हैं जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में भी एक्सेप्ट किए गए हैं. चीता फेडेड अवे इन द जंगल. नेक्स्ट है फॉल बैक. फॉल बैक का अर्थ होता है पीछे हटना. पाकिस्तानी सोल्जर्स पीछे हटे थे. पाकिस्तानी सोल्जर्स फेल बैक. फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल. फॉल, फेल, फॉलन. नेक्स्ट है फॉल फ्लैट. फॉल फ्लैट का अर्थ होता है बेअसर होना, किसी चीज़ का असर ना होना. जैसे उसकी जो अदाएं थी, उसके जो लुक्स थे, उनका मेरे पे कोई असर नहीं हुआ. हर लुक्स फेल फ्लैट ऑन मी. या उसकी जो मार्केटिंग स्कीम थी वो मुझ पर नहीं चली, उसका चार्म मुझ पे नहीं चला. हिज मार्केटिंग स्कीम्स फेल फ्लैट ऑन मी, मतलब मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ. अगला फ्रेजल वर्ब है फेड अप. फैड अप का अर्थ होता है पक जाना, बोर हो जाना, थक जाना, परेशान हो जाना, झिल जाना. मैं अब इस काम से फैड अप हो चुका हूँ, मैं तुमसे फैड अप हो चुका हूँ. इस तरीके के आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आई एम फैड अप विद यू. अगला फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर. गेट ओवर का अर्थ होता है भूलना, किसी चीज से उबरना. कोई भी यदि हादसा हो जाता है, कोई त्रासदी हो जाती है, तो हम उसे धीरे धीरे उबरने की कोशिश करते हैं. इसके लिए गेट ओवर आता है. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर चिंकी, यानी मैं चिंकी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो गेट ओवर का अर्थ होता है किसी चीज से उबरना, उसे भूलने की कोशिश करना. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अवे. गिव अवे का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना. I gave away sweets to kids. मैंने बच्चों को मिठाइयाँ बांटी थी. Next है give in. Give in का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना, हार मानना. जैसे decoits gave in, यानी उन्होंने समर्पण कर दिया. Next phrasal verb है go against. किसी के खिलाफ जाना, किसी के विरुद्ध जाना. ये बात मेरे उसूलों के खिलाफ जाती है. इट गोज अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स. इट गोज अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो डाउन. गो डाउन का अर्थ होता है कीमत घटना, डेप्रिशिएट होना, प्राइस का कम होना. द प्राइस ऑफ माय मोबाइल हैज गॉन डाउन. मेरे मोबाइल की कीमत कम हो चुकी है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑन. बिल्कुल, गो ऑन का अर्थ होता है लगातार काम करते रहना. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है शी वेंट ऑन ब्रैगिंग. वो ब्रैगिंग करती रही, करती रही, करती रही. ब्रैगिंग का अर्थ होता है डींगे मारना. जैसे हम बोस्टिंग बोलते हैं, वैसे ब्रैगिंग का अर्थ भी होता है डींगे मारना. वो अपनी तारीफ करती रही, वो अपने परिवार की तारीफ करती रही, अपने गुणगान गाती रही.
शी वेंट ऑन ब्रैगिंग। तो जैसे आपने सुना होगा कैरी ऑन, वैसे ही होता है गो ऑन, कोई काम लगातार करते रहना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम 25 फ्रेजल वर्ब्स और लेके आए हैं। हमारी कोशिश है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं उन्हें आपके सामने पेश किया जाए। फ्रेजल वर्ब्स चैप्टर कई पार्ट्स में बनेगा, ये था इसका पार्ट टू। आप पार्ट वन यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इजाजत दें प्रतीक तंवर को, फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।